इसके फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लीजिए इसके कलर के बारे में, तो ये आपको इसका मिथिस्ट कलर नया देखने को मिल जाता है। वैसे तो ये आपको मल्टीपल कलर्स में देखने को मिलेगी, लेकिन जो ये कलर अब आपको नया देखने को मिलने वाला है। बाकी साइड बाई प्रोफाइल अगर आप देखते हैं तो यहाँ से ही आपको जिसके चेंजेस हैं वो समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर मैं आपको फ्रंट से पहले हेडलाइट इसकी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आपको इसमें पूरा LED हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है। फ्रंट में अगर आप देखते हैं तो आपको डुअल प्रोजेक्टर देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट में DRL मिल जाती है, यानी कि रोशनी के मामले में कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। थ्रो इनका काफी जबरदस्त मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको ओला की स्टिकरिंग फ्रंट के आपको वाइजर के ऊपर में देखने को मिलती है। नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। LED बेस्ड यहाँ पर आपको 10 इंडिकेटर मिलते हैं, जिनमें आपको हैजार्ड भी देखने को मिलेगा। और चेंजेस की बात करी जाए तो फ्रंट में आपको पहले सिंगल फोक देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको यहाँ पर टेलीस्कोपिक के सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। और जिसका मडगार्ड है इसकी फिटिंग फिनिश आप देख सकते हैं, पूरा आपको मैट कलर मिल रहा है, देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम भी लग रहा है। उसी के साथ में 220mm की फ्रंट में डिस्क देखने को मिलती है। एलॉय व्हील का जो पैटर्न है ये भी अब आपको नया देखने को मिलता है। सीएट कंपनी का टायर का इस्तेमाल हुआ है। और टायर सेक्शन की बात करिए तो यहाँ पर आपको मिलने वाली है इसमें 1/1070x12 सेक्शन का आपको यहाँ पर टायर मिल जाता है। 12 इंचेस के यहाँ पर आपको एलॉय व्हील का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके पैटर्न मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरे चेंजेस के बारे में बात करिए तो यहाँ पर आपको मिड में जो हम्प देखने को मिलता था, अब वो आपको देखने को नहीं मिलता, जो कि कुछ लोगों को इससे मतलब थोड़ा दिक्कत होती थी। तो ये हम्प जो है हटा दिया गया है, ये आपको प्लेन अब देखने को मिल जाता है। और तीसरा बड़ा चेंजेस आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको ग्रैब रेल के मामले में भी अब आपको चेंजेस देखने को मिल जाती है। अब आपको यहाँ पर पाइप टाइप की मेटल में देखने को मिल जाती है इसकी ग्रैब रेल, जो कि आप यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद चौथे चेंजेस की बात करी जाए तो रियर में आपको नया यहाँ पर स्विंग आर्म टाइप में देखने को मिल जाता है। और जिसकी मोटर है ये भी अब आपको नई देखने को मिल जाती है, पहले से और ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलती है, जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं। रियर में आपको 180mm की यहाँ पर डिस्क देखने को मिल जाती है। और इस साइड पर आप देखते हैं सिंगल आपको मोनोशॉक भी रियर में देखने को मिल जाता है। इनके फुटपैक्स क्वालिटी देखेंगे अगर आप तो ये भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ये आपको पूरे देखने को मिल जाते हैं फायर बॉडी के। इस साइड पर आप देखेंगे तो LED बेस्ड आपको यहाँ पर टेल लाइट मिलती है। रियर से यहाँ पर आपको चार्जिंग वाला पावर देखने को मिलता है। यहाँ पर S1 Pro की बैजिंग है, ये अपना ओपन हो जाता है, यहाँ से आप इसको चार्ज वगैरह कर सकते हैं। बाकी सीट हाइट की बात करिए 792mm की सीट हाइट मिल जाती है, 165mm की काफ़ी ज़बरदस्ती ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। यानी कि EV के मामले में बात करी जाए तो काफ़ी ज़्यादा फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। इस साइड से अगर आप देखते हैं जिसकी मोटर में चेंजेस हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, अब आपको ये पूरी नई मोटर इसमें देखने को मिल जाती है, 8.5 किलोवाट की। अब आपको इसमें 11 किलोवाट की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पहले से बेहतर मोटर देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ से भी आप इसके लुक को देख सकते हैं, यहाँ पर आपको साइड स्टैंड देखने को मिल जाता है। बाकी मीडिया कंट्रोल की बात करिए, साइड में डिज़ाइन की बात करिए तो कुछ ओवरऑल ऐसे मिल जाते हैं। यहाँ पर ब्लैक की फिनिशिंग मिल जाती है, 7 इंच से काफ़ी बड़ा सा यहाँ पर आपको फुल डिजिटल मीडिया कंट्रोल देखने को मिलेगा। ऑन करते हैं अगर, यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका ऑन ऑफ का बटन। जैसे ही आप ऑन करते हैं तो यहाँ से आप इसको अपना अनलॉक वगैरह कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से भी अनलॉक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं भी इसका जो पासवर्ड उसको डाल के अनलॉक कर लेता हूँ मैं। ओपन होते ही काफ़ी अच्छे आपको एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं, प्रेजेंटिंग काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। बाकी यहाँ पर आपको पूरा कलर देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले वगैरह इसका स्विचेस की बात कर लीजिए, यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम मिल जाएगा, रिवर्स मिलता है, 10 इंडिकेटर हॉर्न देखने को मिलता है। इस साइड पर आपको पावर वाला मोड, आपको हाइपर ईपर जो इसके मोड मिलते हैं उसको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। बाकी यहाँ से आप इसके ऑडियो कंट्रोल्स को अपना एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। एक्सेलेरेटर फ्रंट ब्रेक के लीवर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ओला की बैजिंग मिल जाती है। अभी फिलहाल में ये पार्किंग पर है तो यहाँ पर P देखने को मिलता है। इस साइड पर आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिव मिल जाती है, बैटरी वोल्टेज मिल जाएगा। बाकी यहाँ से आप इसके सीट वगैरह को ओपन वगैरह कर सकते हैं। साइड स्टैंड ब्लूटूथ डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, ऑडोमीटर ट्रिप मीटर मिल जाता है। बाकी आप स्वाइप डाउन करते हैं तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन आपको मिलेगा। बाकी नेविगेशन आपको पूरी देखने को मिलती है, इस साइड पर स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको इसके जो डिस्प्ले सेटिंग वगैरह मिल जाती है, ब्लूटूथ सेटिंग मिल जाती है वो मिलेगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, हाइपर के मोड मिल रहे हैं, इनमें आपको कितनी रेंज देखने को मिल जाती है 45% चार्ज पे, और जितने भी चार्जेस होंगे उतने आपको देखने को मिलते हैं। बाकी सर्विस सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मीटर कंसोल इलेक्ट्रिक फीट के मामले में काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। बाकी यहाँ से भी आप इसके फिनिश को देख सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम सी आपको मिलने वाली है। यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, बाकी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कैरी टांगने वगैरह के लिए। बाकी यहाँ पर आपको रबर की फिनिशिंग भी देखने को मिल जाती है। उसी के साथ में आप देख सकते हैं यही आपको इसमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं ओवरऑल। बाकी बूट स्पेस की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको 38 लीटर का काफ़ी शानदार सा बूट स्पेस देखने को मिलता है। फिलहाल में तो ये सब एसेसरी का पार्ट, यहाँ पर चार्जर आपको मिल जाता है, यहाँ पर हेलमेट देखने को मिलता है, हेलमेट भी काफ़ी बड़ा सा आपको मिल रहा है। बाकी यहाँ पर चार्जर मिल रहा है तो स्पेस आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार मिल जाता है। सीट कंफर्ट की बात करी जाए तो इसकी कुशन काफ़ी सॉफ्ट आपको मिलती है, लॉन्ग और वाइड सीट मिल जाती है, यहाँ पर आपको स्टिचिंग मिल जाती है, यानी कि सीट की प्रीमियमनेस काफ़ी आपको अच्छी देखने को मिलती है। साइड वाइज आप इसकी पूरी प्रोफाइल को अपना देख वगैरह सकते हैं। रेंज के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है 195 किलोमीटर की ओवरऑल रेंज देखने को मिलती है नॉर्मल मोड पे। बाकी बात करिए टॉप स्पीड की, 120 किलोमीटर की आपको ओवरऑल इसकी टॉप स्पीड देखने को मिलती है। पहले के मुकाबले में रेंज आपको ज़्यादा मिल जाती है। और चार्जिंग के समय की बात करिए 6.5 घंटे में अपना पूरा ही ओवरऑल चार्ज वगैरह हो जाती है। EV के मामले में काफ़ी शानदार सी मिल जाती है। बाकी प्राइसिंग के बारे में बात करिए तो आपको देखने को मिल जाती है 1,62,500 रुपये की, यानी कि 1,62,500 रुपीज़ की देखने को मिलने।